हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि पुलिस वेरिफिकेशन या पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट आप कैसे बनवाएं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट पुलिस द्वारा आपके चरित्र को देखते हुए जारी किया जाता है। इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता हमें CSC चलाने के लिए, जनसेवा चेक केंद्र चलाने के लिए, आधार कार्ड सेंटर चलाने के लिए, प्राइवेट जॉब करने के लिए, बैंकिंग जॉब करने के लिए पड़ती है। तो फ्रेंड्स, बने रहे हमारी वीडियो पर, वीडियो को पूरा देखें। मैं राकेश कुमार पाल आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टैक मास्टर माइंड पर। फ्रेंड्स, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट हर स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस द्वारा जारी किया जाता है। मैं आपको यूपी से करके दिखाऊंगा क्योंकि मैं यूपी में रहता हूं। फ्रेंड्स, पुलिस वेरिफिकेशन हम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाऊंगा, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से, यूपी पुलिस द्वारा स्टार्ट करे गए ऑफिशियल ऐप यूपी कॉप द्वारा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम अप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यूपी पुलिस के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से। तो प्ले स्टोर पर हम जाएंगे, वहाँ पर सर्च करेंगे हम UPCOP। जैसे सर्च करेंगे सबसे ऊपर जो आएगा उस पर आप क्लिक करेंगे, ये आपका पेज ओपन हो चुका है। इसमें आपको ओपन आ रहा है, इंस्टॉल नहीं आ रहा है, क्योंकि दोस्तों मैंने पहले इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ अपने फ़ोन में। मैं आपको डायरेक्टली यहाँ से ओपन करके दिखा देता हूँ। वैसे फ्रेंड्स, इस ऐप का जो डाउनलोड लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको ओपन करता हूँ ऐप को। जैसे उससे पेज ओपन हो जाएगा इसका, तो ये सारे ऑप्शन आपको शो हो जाएंगे, जैसे कि FIR, कंप्लेंट्स, परमिशन, सर्विस इंफॉर्मेशन, इमरजेंसी हेल्पलाइन, कॉलर्स और अनइंस्टॉल बैंड ऐप। FIR में आप रजिस्टर FIR कर सकते हैं, FIR देख सकते हैं, और रिपोर्ट लॉस्ट आर्टिकल, मतलब कोई भी चीज़ की आप रिपोर्ट यहाँ से कर सकते हैं। कंप्लेंट्स में आप कंप्लेंट कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन कंप्लेंट, कंप्लेंट बाय दिव्यांग, या कोई भी शेयर इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, रिपोर्ट मिसबिहेवियर। परमिशन में आप परमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि प्रोसेशन रिक्वेस्ट, प्रोटेस्ट स्ट्राइक रिक्वेस्ट, इवेंट परफॉर्मेंस, फिल्म शूटिंग। और सर्विस में आप सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि पेड सर्विस है इसमें और अदर सर्विस है। पेड सर्विस में आपको करेक्टर सर्टिफिकेट, डोमेस्टिक हेल्प वेरीफिकेशन, एम्प्लॉय वेरीफिकेशन और टीनेंट वेरीफिकेशन। अदर सर्विस में आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इन्फॉर्मेशन में आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे कि पुलिस स्टेशन नियर मी, एक्सीडेंट हॉटस्पॉट नियर मी, रिकवर्ड व्हीकल, सीनियर सिटीजन रजिस्ट्रेशन, सर्च स्टेटस डाउनलोड, अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज, मिसिंग पर्सन, बाउंटी क्रिमिनल्स, अरेस्टेड एक्यूज्ड, साइबर अवेयरनेस, ये सारे ऑप्शन हैं इसमें। इमरजेंसी हेल्पलाइन, इसमें आपको ये सारे नंबर दिए गए हैं जो कि इमरजेंसी में आप यूज़ करते हैं। कॉलर्स पे आप क्लिक करेंगे तो आप कॉल कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली। और अनइंस्टॉल बैंड ऐप, अब जैसे ही इसे चलाएंगे ऐप को, इसमें जो भी बैंड ऐप होगा यूपी पुलिस की तरफ से, यहाँ पर आपको सारे शो कर देंगे। जैसे कि मेरे फ़ोन में कोई भी बैंड ऐप नहीं है तो यहाँ पर नहीं शो कर रहा है। बैक जाएंगे दोस्तों, हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना था तो हम सर्विस में जाएंगे। सर्विस में जाने के बाद पेड सर्विस में जाएंगे। पेड सर्विस में हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, इसमें आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालना होगा, जैसे कि हम पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो हम इसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर अपना नाम, जो भी आपका नाम हो यहाँ नाम फिल करेंगे, फिर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फिर मोबाइल नंबर फिल करेंगे आप, फिर मेल आईडी डालेंगे आप, फिर यहाँ पर पासवर्ड एंटर करेंगे, जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं, फिर गेट OTP पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप अपना OTP फिल कर देना और रजिस्टर पे क्लिक कर देना। ये रजिस्टर पे क्लिक हो गया, अब यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के, जो आपने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते वक्त डाला था वो नंबर, और जो आपने पासवर्ड बनाया था वो यहाँ पर फिल करके लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद दोस्तों, फिर से सर्विस में जाना होगा आपको। सर्विस में जाने के बाद पेड सर्विस पे जाना होगा आपको। पेड सर्विस में आपको करेक्टर सर्टिफिकेट पे जाना होगा। फिर यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे कि पहला आपसे पूछ रहा है रिक्वेस्ट रेज बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यस या नो। अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं तो आप यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। तो हम नो कर देंगे। फिर इसमें आपका नाम फिल करना होगा, फिर रिलेशन,
जो भी आप या तो फादर का नाम डालते हैं रिलेशन में, गार्जियन का, हस्बैंड, मदर, वाइफ, जो भी आप फिल करना चाहते हैं, यहाँ सब रिलेशन सेलेक्ट कर लीजिए। मैं इसमें फादर सेलेक्ट करता हूँ, फिर उनका यहाँ पर नाम। इसमें आपको पर्पस ऑफ अप्लाइंग दिस सर्विस, आपको किस पर्पस से अप्लाई करना है, प्राइवेट सर्विस के लिए करना है, गवर्नमेंट सर्विस के लिए करना है, जो भी आपका हो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। पर्पस फॉर अप्लाइंग दिस सर्विस डिटेल, आपको डिटेल्स लिखनी होगी जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। प्राइवेट जॉब के लिए करना चाहता हूँ तो इसमें प्राइवेट जॉब, अगर सीएससी के लिए करना चाहते हैं तो सीएससी के लिए, बैंकिंग लेना चाहते हैं बैंकिंग के लिए, या आप जनसेवादार केंद्र लेना चाहते हैं तो उसके लिए कर सकते हैं आप। इसमें मोड ऑफ रिसीविंग ऑनलाइन लेना चाहते हैं, इसमें ऑनलाइन ही आएगा, ऑफलाइन ही आएगा। जेंडर पर सिलेक्ट करना है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, जो भी आपको सिलेक्ट करना हो कर लीजिए। फिर डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो आप डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। फिर अपलोड फ़ोटो करना होगा तो इस पर क्लिक करेंगे, गैलरी ओपन हो जाएगी आपकी। फिर उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, इसमें आप आधार कार्ड अपलोड कर दीजिए जिसमें आपका दोनों साइड अवेलेबल हो। तो यहाँ से मैं आधार कार्ड अपलोड कर देता हूँ, आईडी प्रूफ में भी और एड्रेस प्रूफ में भी, ये सिलेक्ट हो गया। फिर यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। फिर आपको यहाँ पर एड्रेस फिल करना होगा, जो भी आपका आधार कार्ड पर एड्रेस हो वह फिल कर देना। एड्रेस फिल करने के बाद सिलेक्ट कंट्री ऑलरेडी सिलेक्ट है, स्टेट सिलेक्ट है ऑलरेडी, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट हो वहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नियर बाई जो भी पुलिस स्टेशन उसको सिलेक्ट करना। फिर कितने साल से आप रह रहे हो, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो उससे आप लिख सकते हैं, तो वहाँ पर आप फिल कर दीजिए। फिर आप सिलेक्ट करेंगे परमानेंट, अगर एड्रेस हो तो परमानेंट एड्रेस फिल कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। फिर उसका दोस्तों ऑप्शन है आपका, डू यू हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड और एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट यू और योर फैमिली इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। अगर आपका ऐसे कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है आपकी फैमिली या आप पर, तो आप यस करना होगा, अदरवाइज इस पर नो कर दीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पर टिक करने का ऑप्शन आएगा, क्योंकि इसमें लिखा आपका ऑल द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड हैव इज ट्रू, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। देन उसका सबमिट, ये आपका अप्लाई हो चुका है। इसमें आपका रिक्वेस्ट नंबर आ गया, रेफरेंस नंबर आ गया, इस रेफरेंस नंबर को आप लिख लीजिए फॉर द पेमेंट करने के लिए। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे आप तो आपका रिडायरेक्ट हो जाएगा पेमेंट पे, यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। फिर यहाँ पर आप नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद 50 रुपीज़ की आपकी फ़ीस होगी, वो आप यहाँ से सबमिट कर दीजिए। फिर यहाँ से आप पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लीजिए, नेट बैंकिंग या कार्ड पेमेंट, जो भी आपका हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इस तरह का आपका पेज ओपन होगा, उसके बाद आप कंफर्म कर दीजिए। फिर आपको अपना डिटेल फिल करनी होगी कार्ड की, कार्ड नंबर फिल करेंगे, उसके बाद एक्सपायरी डेट फिल करेंगे, फिर कार्ड होल्डर का नेम फिल करेंगे यहाँ पे, फिर सीवीवी नंबर डालेंगे इसमें, फिर कैप्चा फिल करेंगे, कैरेक्टर्स, फिर पे पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओटीपी फिल करेंगे, फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। ये हमारी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे हम फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। फिर क्लिक हियर पर क्लिक कर देंगे वापस जाने के लिए। फिर यहाँ से हम पेमेंट का एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से, जैसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये आपके फोल्डर में जाकर डाउनलोड हो गया, फिर यहाँ से हम बैक कर देंगे इसे। फ्रेंड्स, इस तरीके का आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप होगी, जो कि आपके फोल्डर में डाउनलोड होकर सेव हो जाएगी। चाहे तो आप इसका प्रिंटआउट निकाल के आप रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए, या इसे अपने मोबाइल डाटा में ही रहने दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से हमें अपना अप्लाई करना होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कुछ दिनों बाद ये आपका ऑनलाइन रिसीव हो जाता है बाई मेल, या अपने फ्यूचर रेफरेंस के नंबर से आप इसे सर्च या डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि आप पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी अपने घर बैठे बैठे। तो
तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर तो करें। फ्रेंड्स और मिलते हैं आप तक हमारे वीडियो में, एक ट्राई करके साथ किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो